Hello students, again I welcome you all in Study Point. This is Anuj Kumar Verma and today we will discuss our second part of chapter 1, Food and Nutrition. Student, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट आप कमेंट सेक्शन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप अपना फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जंक फूड के बारे में पढ़ लिया था. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इस बार? प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे. प्रोटीन्स आर अनदर कैटेगरी ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स हैं बेसिकली, प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी के लिए एक मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं. सो दे आर द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है बिकॉज इट रिपेयर आवर टिश्यूज एंड इट रिपेयर आवर बॉडी सेल्स एंड इट ऑल्सो गिव्स अस ग्रोथ. सो दैट्स वाई प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी सेल टिश्यूज. ओके, सो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज. मीन्स जो प्रोटीन है बेसिकली ग्रोथ के लिए और बॉडी की जो सेल्स उनको रिपेयर करने के लिए, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही हेल्पफुल रहती है. बेसिकली दे मेक अप आवर हेयर, टीथ, नेल्स, बोन्स, मसल्स एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड और इट इज़ नेसेसरी फॉर द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स बेसिकली. सो द प्रोटीन ऑल्सो इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड इन्फेक्शंस. मीन्स प्रोटीन क्या करता है, हमारी जो बॉडी में जो भी डिसीजेज या जर्म्स होते हैं अगर देखा जाए तो प्रोटीन क्या करता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है बेसिकली. ईटिंग अ डाइट रिच इन प्रोटीन रिड्यूसेस एक्सेसिव फैट फ्रॉम द बॉडी. चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ फ्रॉम 10 to 16 ईयर्स शुड ईट प्लेंटी ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग फूड. मीन्स जो प्रोटीन है, एज की बात करें तो 10 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्रोटीन के अमाउंट को या फिर जो फूड प्रोडक्ट हैं इसमें प्रोटीन का अमाउंट अच्छा खासा होता है, हमें वो खिलाने चाहिए या फिर हमें खाने चाहिए स्टूडेंट्स. तो जो भी आप स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको जिसमें बेसिकली जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है बेसिकली हमें उन चीज़ों को खाना है जिससे क्या होगा, हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनेंगे. दिस फूड वुड हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी. जिससे क्या होगा, अगर प्रोटीन का अमाउंट हमें प्रॉपर मिलेगा तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर रहेगी और हम हेल्दी रहेंगे. सोयाबीन इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. सोयाबीन जो है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है प्रोटीन का. एंड पल्सेस, मीट, एग्स, फिश, चिकन एंड मिल्क आर सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. कुछ और भी अदर सोर्सेज हैं बेसिकली. सोयाबीन क्या है, सबसे ज़्यादा उसमें अमाउंट होता है प्रोटीन का, सबसे रिचेस्ट सोर्स अमाउंट का होता है प्रोटीन का बेसिकली. पल्सेस, मीट, एग, फिश, चिकन एंड मिल्क में या फिर मिल्क प्रोडक्ट हैं जो भी, उनमें क्या है प्रोटीन का अमाउंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है. इन नोन मोर हैविंग अ प्रोटीन इज रिच इन डाइट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ब्रेन एक्टिविटी एंड डेवलप्स कंसंट्रेशन. बेसिकली जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करता है, अगर जिसकी डाइट में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा है या फिर प्रोटीन का अमाउंट जो ले रहा है प्रॉपर, तो उसकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है और उसका कंसंट्रेशन है वो अच्छा होगा, अच्छे से रेस्पॉन्स कर पाएगा. कुछ प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं बेसिकली जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं, मिल्क, मीट, एग एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑल्सो एंड ड्राई फ्रूट्स. इन सभी में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ protein. So it is very helpful for our body. Protein के कुछ examples हैं basically. Now we discuss next topic is vitamins and minerals. Vitamin and minerals are the nutrition which are our body need but cannot मेक. मीन्स क्या है, जो विटामिन और मिनरल्स है वो हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशंस हैं वो नेसेसरी तो हैं बट उन्हें हम बना नहीं सकते बिकॉज आवर बॉडी नीड्स देम ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज़. हमारी बॉडी को इनकी क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है They are crucially for proper functioning of our body system. That is why vitamins and minerals are known as protective food. मीन्स जो ये विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनकी नीड बहुत कम होती है, बट होती है, नीड होती है, बट क्या है इनकी बहुत लिटिल अमाउंट में नीड होती है, लिटिल क्वांटिटी में नीड होती है. सो दैट्स वाई दीज आर द प्रोटेक्टिव फूड्स. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द विटामिन्स, विटामिन्स आर ए एन बी कॉम्प्लेक्स सी डी ई एंड के आर द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. कुछ सोर्सेज हैं बेसिकली विटामिन्स के एंड मिनरल्स के. नाउ विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग गुड आई साइट. जो विटामिन ए है वो हमारे विज़न के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या फिर हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो विटामिन ए है वो आई साइट के लिए बेस्ट है. तो जिसको विटामिन ए की अगर कमी होती है या फिर डिफिशेंसी होती है तो उस वजह से क्या होता है, विटामिन ए की डिफिशेंसी की वजह से क्या होगा, आई साइट होगी या उसकी कमी की वजह से आईसाइट की प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन एंड इट कीप आवर ब्रेन सेल हेल्दी. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है हमारे ब्लड फॉर्मेशन में, यानी कि खून को बनाने में. दूसरा क्या है, हमारे ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है. विटामिन सी हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी सिस्टम. बेसिकली विटामिन सी जो है बेसिकली जो खट्टी चीज़ों में होती है, नींबू हो गया या फिर हमारे जो ग्रेप्स हैं, लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गया या फिर और भी जो खट्टे प्रोडक्ट्स हैं, खट्टी चीज़ें हैं, तो वो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, बूस्टिंग करता है. ओके, जो स्ट्रॉन्ग कराता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को. कोरोना वायरस के लिए भी इस टाइम जो मेडिसिन हैं बेसिकली, तो विटामिन सी एंड विटामिन डी उनमें दोनों के जो टैबलेट्स हैं वो दिया जा रहा था बेसिकली, तो वो भी क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ही हेल्पफुल थे. विटामिन डी इज़ नीडेड फॉर द हेल्दी बोन्स. विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलता है, मेडिसिन से भी मिल जाता है. तो विटामिन डी को हम सनलाइट से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, धूप में मॉर्निंग टाइम में सनलाइट में बैठ के हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. इट इज़ ओनली विटामिन दैट आवर बॉडी कैन मेक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो विटामिन डी है वो हमें सनलाइट से भी मिलता है. सिमिलरली मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर नीडेड फॉर द बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. इसी तरीके से जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसका हमें हेल्प मिलता है, या फिर उसकी वजह से हमारी जो बोन्स होती हैं या फिर टीथ्स होते हैं हमारे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड आयरन इज नेसेसरी फॉर द ब्लड फॉर्मेशन. आयरन क्या करता है, हमें ब्लड के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, जो जिसको विटामिन के बोलते हैं. आयरन इज़ यूज टू मेक नेसेसरी केमिकल्स इन आवर बॉडी एंड सो ऑन. और आयोडीन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो नेसेसरी केमिकल्स एक तरीके से होते हैं उनके लिए हेल्प करता है. जैसे आयोडीन बेसिकली सॉल्ट में पाया जाता है. और विटामिन के ब्लड की जो विटामिन के है वो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नॉन मोर हैविंग विटामिन्स आर टू टाइप्स. बेसिकली दो तरीके के विटामिन्स होते हैं, फैट सोल्युबल एंड वाटर सोल्युबल. कुछ फैट्स में सोलेबल होते हैं और कुछ वाटर में. विटामिन ए डी ई एंड के आर द फैट सोलेबल. विटामिन ए डी ई एंड के क्या हैं, जो फैट्स में सोलेबल होते हैं और जो सोलेबल होते हैं. ओके, द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, आयोडाइज सॉल्ट एंड फिश. जो मेजर सोर्स हैं विटामिन और मिनरल्स के वो बेसिकली क्या है, हमें फलों से मिल जाते हैं, हरी सब्जियों से, दूध और दूध के बने हुए प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एंड आयोडाइज सॉल्ट. ओके, जिसमें आयोडीन का अमाउंट होता है सॉल्ट में, नमक में, वो, और फिश, मछली से. ऑल्दो रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटीज, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द बॉडी विल रिजल्ट इन अपीयरेंस ऑफ द डिफिशेंसी सिम्टम्स एंड डिसीजेस. जब भी क्या होता है, इनकी क्वांटिटी कम होती है हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की, तो क्या होता है, ये डिफिशेंसी या सिम्टम्स के फॉर्म में हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है. द सिम्टम्स विल डिसअपीयर वंस द डिफिशेंसी ऑफ द रेस्पेक्टिव न्यूट्रिएंट्स इज मेड अप. डिफिशेंसी में जो सिम्टम्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं आफ्टर द रेस्पेक्टिव न्यूट्रिएंट्स इज मेड अप. जैसे रिक्वायर्ड थिंग्स मिल जाती हैं, वैसे क्या होता है, ये डिसीजेज डिसअपीयर हो जाती हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो अभी मैंने आपको बताया उनके फॉर्म में क्या है, ये हेल्पफुल है। फ्रूट्स में और विटामिन्स बेसिकली क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स में मिल्क प्रोडक्ट हैं, ये सब में क्या है हेल्पफुल होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रफेज। रफेज का क्या काम होता है, रफेज कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। रफेज इज द फाइब्रस एंड इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ आवर डाइट। इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव पाथवे। मीन्स जो रफेज होते हैं वो फाइबर्स होते हैं बेसिकली जो इनडाइजेस्टेड फूड को या फिर इनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ आवर डाइट जो हम लोग खाते हैं। बेसिकली अगर हमने जंक फूड खाया है तो अगर हमें रफेज का अमाउंट उसमें होता नहीं है जंक फूड्स में तो वो हमें डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सो इट इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव पाथ। ये क्या होता है रफेज की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी जो भी हम लोगों ने फूड प्रोडक्ट ईट किया है उसको क्या करता है प्रॉपर डाइजेस्टिव पाथ में हेल्प करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्स लाइक सीरियल्स पल्सेस नट्स एंड सर्टेन फ्रूट्स आर एंड वेजिटेबल्स। ये हमें कहाँ से मिलता है, कुछ ऐसे सोर्सेज जो सीरियल्स की फॉर्म में हैं एज लाइक कॉर्नफ्लैक एंड कुछ पल्सेस से है, नट्स ग्राउंड नट हो गया या फिर पीनट हो गया एंड कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। ओके नेक्स्ट है वाटर। वाटर क्या है, वाटर हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। बेसिकली जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं हर चीज़ नेसेसरी है, ऐसा नहीं कोई भी चीज़ फालतू है हमारे लिए। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से आपको देखना है सेशन को जिससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ सकें। वाटर मेक्स अप मोर देन 60% ऑफ आवर बॉडी मास। मीन्स वाटर अमाउंट अप्रॉक्स 60% ऑफ आवर बॉडी मास। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑल बॉडी फंक्शनिंग। वाटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्बेशन ऑफ द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। वाटर क्या करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को पहली बात क्या करता है मेंटेन रखता है, दूसरा क्या करता है वाटर अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को डाइजेशन करने में, फूड मटेरियल को हेल्प करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं यूरिन है या फिर जिस चीज़ स्वेट है इन सब में क्या करता है हेल्प करता है। विदाउट वाटर दे कैन नॉट रिमूव। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर एज डेली बेसिस। कम से कम हमें 3 से 4 लीटर पानी या फिर 2 से 3 लीटर पानी हमें अपनी डेली बेसिक नीड के अकॉर्डिंग पीना चाहिए कम से कम। बेसिकली ज़्यादा हो जाए तो नुकसान नहीं है बट इससे कम हमें पानी नहीं पीना चाहिए, अप्रॉक्स 10 to 12 ग्लासेस। वी कैन ऑल्सो ईट फ्रूट्स लाइक कोकम्बर यानी कि खीरा, वाटरमेलन, टमाटो, वाटरमेलन यानी कि तरबूज और टमाटोज़ आप जानते हैं टमाटर जिसे कहते हैं, विच हैविंग हाई वाटर कंटेंट। मीन्स जिसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा है हमें उन फूड प्रोडक्ट को ज़्यादा लेना चाहिए जिससे क्या होगा हमारे वाटर की क्वांटिटी हमारे बॉडी में होनी चाहिए वो प्रॉपर बनी रहेगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फाइबर से रिलेटेड है। बेसिकली फाइबर्स किस में होता है जो हमारे डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। रफेज के लिए बेसिकली रफेज प्रोडक्ट हैं, दीज आर द फाइबर्स, एप्पल एंड एप्रिकोट, मैनी मोर थिंग्स आर देयर। एंड टॉप वाटर रिच फूड जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है बेसिकली कोकम्बर है, वाटर क्रीज है, स्पिनच, ग्रेप फ्रूट, टमाटो, इन सभी में क्या है वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो हमें अपने फूड में या फिर हमारा जो मील है जिसमें हम खाना खाते हैं इस टाइम पे तो हमें उनमें क्या करना चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का बेसिकली यूज़ करना चाहिए। परसेंटेज के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हैं कितना परसेंट किस वेजिटेबल या फिर किस फ्रूट में होता है वाटर का अमाउंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट का मीन्स है हमारे फूड में विटामिन भी हों, मिनरल्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सभी का अमाउंट हो एक प्रॉपर क्वांटिटी में, नेसेसरी क्वांटिटी में. ओके, सो स्टार्ट दैट. अ डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन प्रपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. हमारी जो बॉडी के लिए नेसेसरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक प्रॉपर अमाउंट में या बैलेंस में हमें जो मिले वो क्या होता है, बैलेंस डाइट. इट इज़ मेड अप ऑफ अ फूड आइटम फ्रॉम ऑल ग्रुप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. टू पोर्शन है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है. इट इज़ लो इन फैट एंड हैज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर एंड मिनरल्स. बेसिकली इनमें क्या होता है, जो सफिशिएंट अमाउंट में क्या है, लो फैट होता है, फैट्स का अमाउंट ज़्यादा नहीं होता, एंड दूसरा क्या है, इसमें फाइबर्स और मिनरल्स होते हैं, जिससे क्या होता है हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. ईटिंग अ बैलेंस डाइट हेल्प्स इन प्रॉपर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से हो सकेगा. इट हेल्प्स अस इन स्टेइंग हेल्दी एंड फिट and thus reduce our chances of falling sick. It also keep our weight in check. Basically क्या है, अगर हम proper nutrients या proper diet लेंगे, balanced diet लेंगे, तो क्या है हमारा जो शरीर है वो fit रहेगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और हमारा जो weight है वो एक balance की form में रहेगा. हम क्या होंगे, ज़्यादा मोटे या फिर ज़्यादा heavy overweighted नहीं दिखेंगे. कुछ examples हैं balanced diet के. स्टूडेंट, ये सारे बैलेंस डाइट के एग्जांपल्स हैं, जो जिसमें फ्रूट्स भी इंक्लूड है, फ्लैश भी इंक्लूड है, एंड वेजिटेबल्स भी इंक्लूड हैं. बेसिकली दीज आर आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस डाइट. स्टूडेंट, कुछ अमाउंट ऐसा है जो सभी में कॉमन है बेसिकली, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो सभी में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है या फैट्स है, तो उनमें भी वो इंक्लूड हैं फूड प्रोडक्ट कुछ. Now our healthy eating habits, healthy eating habits basically क्या है, healthy eating habits क्या होनी चाहिए students? Healthy eating habits having, we should never skip our breakfast as it is the most important meal of the day. It gives us energy to work after a long break for eating since a night before. बेसिकली क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमारा ब्रेकफास्ट है या फिर डिनर है, लंच है, जो भी हम खाते हैं जिस भी टाइम पे, हमें उसको स्किप नहीं करना है, मतलब उसको छोड़ना नहीं है, हमें उस टाइम पे उसको लेना है. वो बात अलग है कि आप मॉर्निंग में थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करते थे, आज आपको भूख नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम अमाउंट में ले सकते हैं, बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू वर्क आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक फॉर ईटिंग सिंस अ नाइट बिफोर. सोने से पहले हमें क्या करना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा, मतलब कुछ 1-2 घंटे पहले खा लेना है, खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है. ओके, एंड अपने जो भी हमारा फूड है, जो भी हमारे 3 टाइम्स है मेंशन, बेसिकली दोपहर में लंच और शाम को डिनर, इनमें क्या है हमें ब्रेक तो लेना है, बट ऐसा नहीं करना, स्किप नहीं करना है. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड ऑलवेज टेक आवर ब्रेकफास्ट मील एंड स्नैक्स एट फिक्स टाइम. हमें अपना जो ब्रेकफास्ट है या भी जो स्नैक्स का टाइम है उसको फिक्स टाइम पे लेना चाहिए, बिकॉज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वुड बी डिस्टर्ब इफ़ वी ईट एट इर्रेगुलर टाइम इंटरवल. अगर हम क्या करेंगे, किसी भी फिक्स टाइम पे नहीं खाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इर्रेगुलर हो जाएगा, या उसका फिक्स टाइम नहीं रहेगा हमें डाइजेस्ट करने के लिए फूड. बेसिकली क्या है, अभी अपने 10 बजे खाया, फिर अपने 12 बजे फिर से खा लिया, तो उस केस में क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं. ईटिंग हाईली प्रोसेस्ड फूड लाइक फ्राइड चिप्स एंड कुकीज़ इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एज दे कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट्स. जो भी हमारे फ्राइड प्रोडक्ट्स होते हैं या चिप्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, ये सब क्या होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर का अमाउंट होता है, सॉल्ट होता है एंड फैट्स होता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, हमें नुकसान पहुंचाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी ईट शुड बी फ्रेश एंड प्रॉपरली वॉश्ड. स्टूडेंट्स, जो भी हम फूड या फिर फ्रूट वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए और प्रॉपर्ली वॉश्ड होनी चाहिए। ताज़ी और साफ़ सब्जी होनी चाहिए धुली, जिससे क्या हो हमें जम्स या फिर कोई और तरीके की डिसीज़ हमारे फूड प्रोडक्ट के साथ हमारे अंदर ना चली जाए। नेक्स्ट है वी मस्ट अवॉइड कंज्यूमिंग स्लेट और रोटन फूड, इट कैन अपसेट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेक अस सिक। मीन्स हमें ध्यान रखना है कि जो भी फूड प्रोडक्ट हैं सड़े गले या इन चीज़ों को हमें ऐसा नहीं यूज़ करना चाहिए, वो हमें बीमार कर सकते हैं, उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। जो भी चीज़ बेकार हो गई है या फिर हल्का सा कट लग गया है या सड़ने लगा है कोई भी फ्रूट, तो उसको ऐसा ना करें कि कट करके आधा अच्छा है आधा उसको खा लिया आधा आपने फेंक दिया, तो ये हमें बीमार भी कर सकता है। क्योंकि वो कैसा है फूड, जो भी फ्रूट की बात करें अगर एप्पल है तो एप्पल क्या है वो तो इफेक्टिव हो गया, देन क्या होगा वो हमारी बॉडी को भी इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, फूड आइटम्स शुड नॉट बी ओवरकुक्ड और डीप फ्राइड इन ऑयल। जो भी फूड आइटम्स हम खाते हैं, जो भी हमारा खाना है, भोजन है, जो भी हम करते हैं, उसको ना ही ज़्यादा पकाएं और ना ही ज़्यादा तलें। अगर ज़्यादा आप तेल में फ्राई करेंगे तो क्या होगा उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो वो क्या होगा वो हमारे लिए बेकार है। नेक्स्ट वी मस्ट बी माइंडफुल ऑफ आवर फूड इनटेक, ओवर ईटिंग कैन काज स्टमक हैक एंड इंडाइजेशन। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फूड प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ बहुत अच्छी बनी है, आपकी फेवरेट है, तो आपने क्या किया उसको ज़्यादा खा लिया, तो क्या होगा अगर आप ओवर ईटिंग कर लेंगे तो क्या होगा आपका स्टमक हैक हो सकता है या फिर इनडाइजेशन भी हो सकता है। मीन्स आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको वॉमिटिंग, डिसेंट्री और मैनी मोर थिंग्स कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा फेवरेट फूड है उसको भी हमें उसी अमाउंट में खाना है जितना कि हमारे लिए नेसेसरी है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट है वी शुड च्यू आवर फूड स्लोली एंड प्रॉपरली, इट हेल्प्स इन ईजी डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा जो फूड प्रोडक्ट है हमें उसे आराम से धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगा और हमारे स्टमक है या फिर हमारा फूड जो भी हमने खाया है वो इनडाइजेशन के थ्रू हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड अमेजिंग फैक्ट्स, हनी इज़ द ओनली फूड प्रोडक्ट दैट विल नेवर गो बैड, यानी कि जो शहद है, मधुमक्खी का शहद है, वो कभी भी हमें नुकसान नहीं करता है। ओके, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या रेस्ट टॉपिक जो भी है उसे हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और स्टूडेंट्स अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे। दूसरा क्या है, आप लोग लाइव चैट में क्या करना है, अपने जो भी कुछ पूछना है उसको आप लाइव चैट में शेयर कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर्स को वहीं पे रिव्यू कर दूँगा। ओके, बाय बाय।